देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियां शामिल होगी। मंडुवाला स्थित देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में 9 अप्रैल को विश्वविद्यालय की शाखा IQSC के तत्वाधान में अकेडमी मान्यता की ढांचागत व्यवस्था में IQSC की गुणवत्ता पूर्व पहल विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कि अभी मेरे कॉलीग्स ने भी बताया कि हम जो कल ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन अवर यूनिवर्सिटी, दिस इज़ बेसिकली टू सी टू इट दैट ऑल दी टीचर्स, द फैकल्टी, द स्टाफ, दे आर ऑल वेल वर्स्ड विद दी वेरियस प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज ऑफ NAAC, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, तो असेसमेंट एक हमारी क्वालिटी का मूल्यांकन है। तो ये जो संस्था है, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, UGC के तहत आती है, और ये हर यूनिवर्सिटी जो उन पे अप्लाई करती है और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स को उनकी गुणवत्ता को परखते हैं और उसके हिसाब से उनको एक ग्रेड देते हैं। राइट नाउ आप समझते हैं कि आज के इस इतने फास्ट गैलपिंग वर्ल्ड में और इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जहाँ पे है, सब हर आदमी आगे निकलना चाहता है, तो उसमें हम ये समझते हैं कि वो ही आगे निकल पाएगा जो अपनी गुणवत्ता पे ध्यान देगा। अब एक यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है गुणवत्ता का, कि उसकी शिक्षा जो है वो गुणवत्ता के जो वो मापदंड हैं उन पे खरी उतरे। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स आएंगे, दी चीफ गेस्ट इज UGC की मेंबर हैं, और जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने फील्ड में दे आर स्टॉलवर्ट्स, तो वो आके अपने सारे जो विचार हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो साझा करेंगे डेलीगेट्स के साथ, जो कि मैंने आपको जैसे बताया दे आर ऑल फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम अवर यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज इन एंड अराउंड देहरादून। सो अगर जो हम इस तरह के सिंपोजियम्स को अपने रूटीन में जगह देंगे, तो निश्चित है कि हमारी जो फैकल्टी है वो धीरे धीरे इसकी तरफ ग्रूम होती जाएगी। जिले की जो शिक्षा नीति है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका फ्रेमवर्क है, बच्चों को जो हमें नॉलेज स्किल्स देनी है वो किस हिसाब से, और जो इंटेग्रिटी पे देनी है वो किस हिसाब से होनी चाहिए। मैं बताऊँ कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एक काउंसिल है जिसको हम NAAC बोलते हैं। NAAC के मैंडेट के हिसाब से हर एक हायर एजुकेशन में एक IQAC सेल होनी चाहिए, जो IQAC सेल इंस्टीट्यूशंस के सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, उसके क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इनिशिएटिव्स को लेती है। दिस IQAC सेल इज़ ए लोकल बॉडी वेयर इन द एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिक्स आर पुट टुगेदर and they do deliberate the various aspects of academic activities going on the campus and keeping in view the quality education to the students and also to ensure the skilled professors are passing out. They guide us कि क्या नई चीज़ें हम स्टार्ट करें, क्या नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, या जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कैसे उस एक्टिविटीज़ को हम क्वालिटी के साथ इम्पार्ट करें। क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो डिबेट और बात करने की बात नहीं, इट शुड कम इन द हैबिट। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम के तहत हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इवन फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, वी वांट टू मेक देम अवेयर व्हाट एक्चुअली दे आर सपोज टू डू टू एंश्योर दैट क्वालिटी एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टूडेंट्स एंड दे आर पास आउट विद द स्किल सेट व्हिच एक्चुअली इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट डिजायर्स। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।